हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक को फोन पे के साथ लिंक करके फोन पे का यूज कर सकते हो। गाइस, अगर आप भी चाहते हो फोन पे का यूज करना एंड चाहते हो पेटीएम पेमेंट बैंक को फोन पे के साथ लिंक करना तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपको बताते हैं कि कैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक को फोन पे के साथ लिंक कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर देगा। लाइक करने के बाद गाइस आपको करना है कि जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइबर मिलता है सिंपल आपको उस पे प्रेस करके जो बेल आइकन है तो उस पे दबा को आपको ऑल पे सेलेक्ट करना। इससे क्या होगा, जब भी आपके लिए कोई ऐसे न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप उस हमारी न्यू वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फोन पे का, तो आपको वहां पे क्लिक करके आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर गाइस आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको एक न्यू अकाउंट बनाने पे आपको 100 रुपीज का कैशबैक भी मिलने वाला है। तो यहां पे गाइस चलिए फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के साथ गाइस यहां पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पे बोल रहा है गाइस अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। तो गाइस आप जिस भी नंबर से फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस नंबर को यहां पे लिख लेना। तो चलिए यहां पे अपना नंबर डाल लेते हैं। तो आपका जो भी नंबर हो यहां पे डालने के बाद गाइस आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड गाइस यहां पे देखो कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट गाइस आपको यहां पे एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा एंड आपका जो होगा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं। एंड जैसे ओटीपी आ जाएगा तो आपका फोन पे में एक न्यू अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे देख दो, तो जैसे कि मेरा फोन पे अकाउंट में एक न्यू अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे करते हैं इसको फिर से ओपन क्योंकि मेरा क्लोज हो गया था, ठीक है। एंड गाइस जैसे ओपन हो जाता है तो अभी गाइस इसका यूज करने के लिए आपको करना है इसमें बैंक अकाउंट को लिंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लिंक करना है आपको पेटीएम पेमेंट बैंक। तो कैसे लिंक करना है, तो यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट। गाइस अगर आपको यहाँ पे ए वाला ऑप्शन नहीं मिलता ऐड बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको फोन पे एप्लीकेशन के प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो आपको करना है इस पे क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइस आपको ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करोगे जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मेरा रजिस्टर्ड है, तो आपका जो भी बैंक है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे करने वाले गाइस पेटीएम पेमेंट बैंक को फोन पे के अंदर लिंक। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो जैसा कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो अकाउंट फाइंडिंग करेगा एंड गाइस कुछ सेकेंड में एट अकाउंट यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे आपका फोन पे एप्लीकेशन में पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ऐड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली लॉग इन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ पे एक यूपीआई पिन को सेट करना है। तो यूपीआई पिन सेट करने के लिए आप क्लिक करिएगा यूपीआई पिन सेट पे, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा गाइस। यहाँ पे आपको अपने कार्ड का लास्ट 6 डिजिट आपको डालने के लिए बोलेगा, तो आपके एटीएम कार्ड का जो भी लास्ट 6 डिजिट है आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे मिलता है यहाँ पे मंथ एंड ईयर जो का आपका एक्सपायरी होता है, ठीक है। तो आपको दोनों को यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद गाइस आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइस आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा एंड यहाँ पे आपका जो भी ओटीपी होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि देख सकते हो। एंड गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेट यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रांग यूपीआई पिन क्रिएट करना है। यहाँ पे हर बैंक का अलग होता है, जैसा कि 4 डिजिट का होता है, किसी में 6 डिजिट का होता है, तो आप अपने हिसाब से देख के यहाँ पे एक यूपीआई पिन क्रिएट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे से यूपीआई पिन बना लेते हैं 4 डिजिट का जो भी है। यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे टच करना, टच करने के बाद गाइस अपना यूपीआई पिन यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद गाइस आपको नीचे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गाइस आपको फिर से आपको कंफर्म बोलेगा कंफर्म यूपीआई पिन, तो आपको फिर से अभी जो आपने यूपीआई पिन डाला फिर से आपको वही पिन आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद गाइस आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए वेट करना है प्रोसेसिंग होगा एंड गाइस आपका जो भी यूपीआई पिन होगा सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड गाइस आपके एयरटेल पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन बन जाएगा एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है डन वाले ऑप्शन पे। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक मेरा था यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे फोन पे के अंदर लॉग इन हो चुका है। तो अब गाइस आप यहाँ पे से बिल्कुल रेडी हो फोन पे एप्लीकेशन का यूज करने के लिए। तो गाइस अगर आपको फोन पे एप्लीकेशन का यूज करना नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि फोन पे एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है एंड कैसे आप उसका यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आप जान गए होंगे कैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक को फोन पे के साथ लिंक करके फोन पे का यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी।
जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक करेगा एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज़।